हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नाग्यास लर्निंग अड्डा पर आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आर यानी कि राइट टू एजुकेशन की ये सेकंड क्लास है हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संबंध में कुछ बातें तो वही टॉपिक है अपना आर यानी कि जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन का ये जो टॉपिक है इसकी आज की हमारी ये क्लास नंबर टू है अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो कृपया उस क्लास को भी देखें आज की सेकेंड क्लास में हम कुछ और बात करेंगे कौन सी बातें हैं ये शिक्षा के अधिकार संबंधित बातें हैं सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो शिक्षा है उसका उल्लेख संविधान के किस भाग में यहाँ पर शिक्षा का उल्लेख वन लाइनर जीके के रूप में वन लाइनर नोट्स के रूप में ये आपके लिए टॉपिक है मेरा कि शिक्षा का जो उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में है शिक्षा का उल्लेख संविधान के भाग चार में है शिक्षा का उल्लेख संविधान के भाग चार में है भाग चार में हम शिक्षा के संबंध में कुछ बातें पढ़ते हैं लेकिन ये जो भाग चार है इसी में ही नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक तत्व भी संविधान के इसी भाग चार में है और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके अनुच्छेद 45 में लिखा गया है ये जो नीति निर्देशक तत्व है इनका कौन सा अनुच्छेद इनका अनुच्छेद 45 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 45 में एक बात लिखी हुई है और वो बात लिखी ये है कि राज्य बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा राज्य क्या करेगा राज्य बालकों के लिए राज्य बालकों के लिए निशुल्क निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा ये बात कहाँ लिखी हुई है दोस्तों ये बात लिखी गई है संविधान के भाग चार में जहाँ पर नीति निर्देशक तत्व है नीति निर्देशक तत्वों की जो अनुच्छेद 45 है उसमें ये लिखा गया है कि राज्य जो है वो राज्य बालकों के लिए अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का या निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है वो प्रबंध करेगा एक चीज़ और बता दूँ ये जो शिक्षा है शिक्षा जो है पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था राज्य सूची का विषय कब हुआ करता था पहले हुआ करता था जब हमारा संविधान बना था तो शिक्षा राज्य सूची का विषय था लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1948 में कब की बात है ये 1948 में 1948 में एक आयोग बना था और आयोग का नाम था डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग इस आयोग की सिफारिश पर इस आयोग का एक दूसरा नाम भी है इस आयोग को हम विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं विश्वविद्यालय आयोग विश्वविद्यालय आयोग ये 1948 में आयोग बना था डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग बोल दो इसको या फिर इसको विश्वविद्यालय आयोग बोल दो एक ही बात है ये आयोग कब बना था 1948 में 1948 में ये आयोग बना था और उन्नीस और तिरपन में उन्नीस सौ बावन तिरपन में एक आयोग और बना था उस आयोग का नाम था मुदालियर आयोग मुदालियर आयोग और इस मुदालियर आयोग का भी एक नाम और था क्या नाम था इसका माध्यमिक शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग इसका दूसरा नाम था जैसे ये डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग जो कि 1948 में बना था इसका दूसरा नाम क्या था विश्वविद्यालय आयोग वैसे उन्नीस से लेकर तिरपन के बीच में एक मुदालियर आयोग भी बना था और उस आयोग का नाम था माध्यमिक शिक्षा आयोग यह दूसरा नाम था इन दोनों आयोगियों ने एक सिफारिश चाहे ये वाला आयोग हो चाहे ये हो इन दोनों ने एक सिफारिश की थी और इन्होंने क्या सिफारिश प्रस्तुत की थी इन आयोगों ने जब सर्वे किया अपने सर्वे के आधार पर इन्होंने कहा कि जो ये शिक्षा है ना ये शिक्षा किस का विषय था राज्य सूची का विषय था इस शिक्षा को राज्य सूची से हटाओ और घा डालो समवर्ती सूची में डालो कौन सी सूची में डालो संविधान के अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है राज्य सूची समवर्ती सूची क्या है तो इन दोनों आयोगों ने कहा कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाओ और इसको कहाँ डालो समवर्ती सूची में डालो इस आयोग की सिफारिश पर शिक्षा को तो समवर्ती सूची में डाला ही गया इसके अलावा पांच विषय शिक्षा समेत पांच विषयों को ओनली शिक्षा को नहीं शिक्षा के समेत पांच विषयों को फिर समवर्ती सूची में डाला गया था और ये संविधान का ये संशोधन कब हुआ था ये संशोधन हुआ था 1976 का संविधान संशोधन 1976 कहलाता है ये 1976 का जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें पांच विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था एक कौन से शिक्षा कौन से विषय थे ये एक तो यही था शिक्षा एक तो शिक्षा था और दूसरा कौन सा था जनसंख्या शिक्षा दूसरा जनसंख्या और तीसरा अपना कौन सा था परिवार नियोजन परिवार नियोजन और चौथा विषय जो था वो था माप तोल चौथा विषय कौन सा था माप तोल तो इन्होंने इस आयोग ने तो शिक्षा को ही सिर्फ सम्व राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाने के लिए कहा गया था लेकिन उन्नीस में जब संविधान संशोधन हुआ इस संबंध में तो शिक्षा के अलावा और किस किस चीज़ों को जो है वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया तो ये पांच विषय थे शिक्षा होगी दूसरी जनसंख्या होगी परिवार नियोजन हो गया मापदौल हो तो गया और पाँचवा था वन संपदा वन संपदा इन पांच विषयों को जो है राज्य सूची से हटाकर कहाँ डाला गया था संवर्ती सूची में डाला गया था तो दोस्तों यहाँ पर जो स्लाइड में जितनी बातें लिखी गई हैं इनको मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर देखो आज की हमारी मैं स्टार्टिंग से एक बार फिर बता रहा हूँ आज की हमारी आर यानी कि राइट टू एजुकेशन की ये क्लास नंबर टू है इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको आर से संबंधित कुछ बातें बताई हैं आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखें और फिर ये क्लास नंबर टू है इसके बाद क्लास नंबर थ्री और फोर भी होगी और अंततः जो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस सभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा तो ये आर की क्लास टू है इसमें हम बात कर रहे हैं आज की कि शिक्षा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है शिक्षा का उल्लेख संविधान के भाग चार में है और भाग चार में ही नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में एक बात लिखी हुई है और वो बात क्या लिखी हुई है कि राज्य बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा ठीक है अब यह शिक्षा जो है ना जिस शिक्षा का ये प्रबंध करेगा ये शिक्षा जो है किसका विषय है किस किसका विषय थी राज्य सूची का विषय था लेकिन 1948 में एक आयोग बना था जिस आयोग को डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग कहा जाता है इस आयोग का दूसरा नाम है विश्वविद्यालय आयोग और उन्नीस से तिरपन के बीच में एक मुदालियर आयोग बना था और जिसका दूसरा नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग इन दोनों आयोग की सिफारिश पर शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया क्योंकि इस इन दोनों आयोगों ने कहा कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाया जाए और समवर्ती सूची में शामिल किया जाए जब समवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया तो कब किसके किस किस के तहत इसको शामिल किया गया तो 1976 में संविधान संशोधन हुआ था एक और इस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अलावा चार और विषयों को जो है वो संवर्ती सूची से हटाकर किस में शामिल किया गया था सॉरी राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया था जिसमें एक था शिक्षा एक थी जनसंख्या एक था परिवार नियोजन एक था माप तोल एक था वन संपदा इन पांच विषयों को जो है 1976 के संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया था तो इतनी बात समझ में आ गई आपको अब अपन बढ़ते हैं आगे अब हम बात करते हैं आगे चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं दूसरी की अब आगे की बात यह है कि फिर संविधान के भाग 4 संविधान के संविधान के भाग चार के संविधान के भाग चार के और अनुच्छेद अनुदन के, इक्यावन के में ग्यारवा मूल कर्तव्य है ग्यारहवा मूल कर्तव्य कौन से संविधान एट्टी सिक्स में संविधान संविधान संशोधन संशोधन 2002 द्वारा निर्धारित किया गया था निर्धारित किया गया था अब देखो ये लाइन क्या कह रही है कि संविधान के भाग चार के के अनुच्छेद इक्यावन के में ग्यारवा मूल कर्तव्य छियासवें संविधान संशोधन 2000 द्वारा निर्धारित किया गया था ठीक है और इसमें क्या हुआ था जिसमें जिसमें माता पिता का यह कर्तव्य क्या था ये कर्तव्य यह था कि माता पिता जो है वो अपने बच्चों को अपने बालकों को जो है वो शिक्षा दिलाएगी ये माता पिता का मूल कर्तव्य होगा शिक्षा दिलाएंगे कौन माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे कौन सा कर्तव्य था ये ग्यारहवा मूल कर्तव्य था संविधान के भाग चार के अनुच्छेद इक्यावन के में ये ग्यारहवां मूल कर्तव्य हुआ बताया गया छियाईसवें संविधान संशोधन 2000 द्वारा ये ग्यारहवां मूल कर्तव्य बनाया गया कि प्रत्येक माता पिता अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि बालकों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराए उसकी जिम्मेदारी उठाए फिर आगे क्या हुआ दोस्तों फिर आगे ये हुआ कि संविधान के भाग तीन संविधान के भाग तीन संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 21 की कै जोड़कर एक चीज़ और तैयार की गई जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बालकों के लिए बालकों के लिए मतलब बच्चों के लिए जो है शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया अधिकार बनाया गया अब देखो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट बातें हैं एक तो ये और एक ये यहाँ पर बात हुई है एक तो मूल कर्तव्य की और यहाँ पर बात हुई है एक मूल अधिकार की मूल कर्तव्य तो किसका है अभिभावकों का है माता पिता का है मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए और मूल अधिकार क्या है कि प्रत्येक छः से चौदह वर्ष का बालक जो है उसको शिक्षा, शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना उसका मूल अधिकार है लेकिन ये मूल कर्तव्य और ये मूल अधिकार जो है इसके लिए अपने को संविधान के एक भाग और एक अनुच्छेद को याद करना पड़ेगा मूल कर्तव्य के लिए आपको अनुच्छेद और भाग ये याद रखना पड़ेगा कि कर्तव्य के लिए तो भाग चार और अनुच्छेद कौन से याद रखना पड़ेगा इक्यावन के भाग चार अनुच्छेद इक्यावन के और जो मूल अधिकार की बात करेंगे उसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा भाग तीन भाग तीन और अनुच्छेद इक्कीस है। ये दो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस लंबी चौड़ी कहानी की जहां से क्वेश्चन आता है क्या याद रखना है मूल कर्तव्य के संबंध में कर्तव्य किसका है माता पिता का है किस में कहा गया इसका उल्लेख है भाग चार में संविधान के भाग चार में अनुच्छेद इक्यावन कै में और मूल अधिकार किसका है मूल अधिकार है छः से चौदह वर्ष के बालक का प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना उसका मूल अधिकार है और ये बात कहाँ है भाग तीन में अनुच्छेद इक्कीस के में ये दो बातें जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन आता है इस इन पूरे जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं तो यहीं से क्वेश्चन आता है मूल कर्तव्य और मूल अधिकार याद ये रखना है कि मूल कर्तव्य किसका है माता पिता का क्या क्या कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाए और मूल अधिकार किसका है बच्चों का है छः से चौदह वर्ष के बच्चों का है और दोनों बातें कर्तव्य और मूल अधिकार की बात करें तो कर्तव्य के लिए आपको याद रखना है भाग चार अनुच्छेद के और मूल अधिकार के लिए आपको याद रखना है भाग तीन अनुच्छेद अनुच्छेद 21 के तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आएगी अब हमने कल एक बात और की थी कल हमने यह बात की थी कि यह जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इट मींस जो आरटीई है आरटीई 2009 ये जो आर टी ई दो हज़ार नौ में है इसमें कुल कितने अध्याय और कुल कितने धाराएँ हैं तो हमने कल बात की थी कि इसमें कुल सात अध्याय हैं कितने अध्याय हैं कुल सात अध्याय हैं तथा धाराएँ कितनी हैं धाराएँ हैं अड़तीस धाराएँ अड़तीस अब अपने को ये जो कुल अध्याय और कुल धाराएँ जो हैं इनको भी याद करना पड़े अध्याय तो छोड़ो ये धाराएँ तो आपको पता होनी चाहिए कि किस धारा में क्या बात कही गई है तो ये सारी धाराएँ एक से लेकर अड़तीस तक मैं आपको सारी धाराएँ बताऊंगा कि किस धारा में क्या कहा गया है लेकिन अपने को उससे पहले एक टेबल देखनी है एक सारणी देखनी है कि आर के जो ये सात अध्याय और जो अड़तीस धाराएँ हैं उनमें कौन से अध्याय में कौन सी धारा है ये समझना होगा तो यहाँ पर हमें देखना है कि अध्याय एक तरफ तो हम लिख रहे हैं अध्याय और एक तरफ हम लिख रहे हैं धाराएँ एक तरफ क्या लिख रहे हैं अध्याय एक तरफ धाराएँ अगर हम अध्याय एक की बात करें तो इसमें धाराएँ कितनी हैं इसमें धाराएँ हैं धारा एक और धारा दो अध्याय एक में धारा एक और दो का जिक्र है लेकिन धारा एक में क्या बात लिखी गई है और धारा दो में क्या बात लिखी गई है ये तो अपन अगली जो क्लास होगी धाराओं से रिलेटेड जिसमें अपन एक साथ अड़तीस धाराएं नहीं पढ़ेंगे अपन दस दस करके धाराएं पढ़ेंगे आप ताकि आपको टॉपिक समझ में आए और आपको याद रहे तो अध्याय एक में धारा एक और दो है और जो अध्याय दो है उसमें कौन सी धाराएँ हैं उसमें धाराएँ तीन से लेकर पाँच तक हैं और जो अध्याय तीन है अध्याय जो तीन है इसमें छः से लेकर ग्यारह तक धाराएँ हैं और जो अध्याय चार है उसमें धाराएँ हैं बारह से लेकर कहाँ तक अट्ठाईस तक बारह से लेकर अट्ठाइस तक धाराएँ इसमें हैं और जो अध्याय पाँच है हमारा उसमें उनतीस और तीस धारा है धारा उनतीस और तीस अध्याय जो छः है हमारा उसमें धाराएँ हैं इकतीस से चौंतीस इकतीस से चौंतीस और जो सातवां अध्याय हमारा उसमें धाराएं हैं पैंतीस से लेकर अड़तीस लेकिन ये जो अध्याय फर्स्ट है इसको थोड़ा मैं अलग कलर से बताने की कोशिश करता हूँ अध्याय जो फर्स्ट है इसमें क्या है इसमें है इसका प्रारंभिक बातें प्रारंभिक बातें मतलब ये जो आर है इसका अर्थ क्या है वो प्रारंभिक इसके अंदर है और जो सेकंड जो अध्याय है उसमें क्या है हमारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निशुल्क निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शॉर्ट में आप समझ जाए जो ये धारा तीन है इसमें समुचित सरकार समुचित सरकार और जो स्थानीय प्राधिकारी होता है स्थानीय प्राधिकारी स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के इसके अलावा माता पिता के जो है वो कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है अध्याय तीन में और जो अध्याय चार है इसमें विद्यालय के उत्तरदायित्व की बात है विद्यालय के उत्तरदायित्व विद्यालय के उत्तरदायित्व की बात अध्याय चार में है और जो अध्याय पांच है उसमें क्या है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात अध्याय पाँच में है और अध्याय छः में जो है बालकों का अधिकार संरक्षण इसकी बात है बालकों के अधिकार संरक्षण की बात की गई है और जो अध्याय सात है उसमें प्रक्रण है इसका पूरे आरटीई का राइट टू एजुकेशन का तो दोस्तों ये कुल सात अध्याय हैं और धाराएं अड़तीस हैं मैंने आपको बता दिया कि अध्याय एक में धारा एक और दो का उल्लेख किया गया है लेकिन एक में क्या कहा गया है और धारा दो में क्या कहा गया है ये तो अपन धाराओं वाली अगली क्लास में मैं बताऊंगा आपको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार धारा तीन से पाँच में बात की गई है समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य क्या हैं ये तीसरे अध्याय में हैं जहाँ पर छः से लेकर ग्यारह तक की धाराएँ हैं अध्याय चौथा में जो विद्यालय के उत्तरदायित्व हैं वो बताए गए हैं और ये बारह से लेकर अड़तीस है और अड़तीस धाराएं इसमें उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बालक का अधिकार संरक्षण प्रक्रण ये सारे जो हैं अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हो सकता है अभी तक नहीं पूछा गया हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि धारा एक और दो का उल्लेख जो है वो आर के किस अध्याय में है अध्याय एक में धारा इकतीस से चौंतीस का जो उल्लेख है किस अध्याय में है धारा जो है वो कौन से में छः में ठीक है ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा तो दोस्तों अगली क्लास जो होगी हमारी वो स्पेशल इसके ऊपर होगी और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है टोटल अड़तीस धाराएं हैं हम एक ही क्लास में अड़तीस धाराएं नहीं पढ़ेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो मैं आपको ये धाराएं जो हैं 10 10 और 10 और 8 इस तरह से बताऊंगा कि पहले हम बात पहली क्लास अगली जो क्लास होगी क्लास ये हमारी क्लास नंबर कौन सी है आर टी के लिए हमारी ये क्लास नंबर टू है क्लास नंबर थ्री में हम दस धाराएँ देखेंगे फोर नंबर क्लास में फिर दस धाराएँ देखेंगे और फाइव नंबर क्लास में फिर धाराएँ देखेंगे दस और छठी क्लास में देखेंगे धाराएँ लास्ट वाली आठ और जो हमारी इस आर टी ई की क्लास सेवन बनेगी उसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पी वाई क्यू या एम सी क्यू जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम टॉपिक से पूछे गए हैं तो आज की क्लास ये खत्म होती है यहीं आप जो है अपने जितने भी ग्रुप हैं आप उनमें जुड़े हुए हैं सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें मुझे रिस्पॉन्स ठीक मिलेगा तो मैं इनको कंटिन्यू करता रहूँगा तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं दोस्तों तब तक नमस्कार